हाँ सर, जीवामृत खाद बनाते हैं। हम टेलरिंग पे गए थे, जीवामृत खाद बनाने के बारे में जानकारी मिली हमको। तो जानकारी में जीवामृत कैसे बनाना, तो 10 किलो गोबर लेना है और 1 किलो बेसन लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है और 1 किलो बरगद के झाड़ के नीचे मिट्टी लानी है। उसको मिलाकर घोलना है, जो पानी ड्रम में घोलना है, घोल के उसको जो कपड़े से उसको बांध देना है, ऊपर बांध के सायों में रख देना है। 48 घंटे के बाद रोजीना सुबह शाम उसको डंडा से घुमाकर घोलना है, घोल के सायों में रखना है और 48 घंटे के बाद उसको निकाल निकाल कर जमीन में छिड़कना है। हाँ, हम ट्रेनिंग पे गए थे, वहाँ पशुओं के बारे में बताया हमें, तो बहुत अच्छी जानकारी दी। पशु को एक एक भैंस को 6-7 किलो खली खिलाओ, 10-15 लीटर दूध आराम से देती है। वहाँ बताया हमें पशुओं के बारे में, बहुत अच्छा बताया। उसके बाद उनको टीके लगवाना पड़ता, 2 बार बीमार होकर डॉक्टर को दिखाना पड़ता। उसके बाद आदमी के पास देसी गाय है, देसी गाय के बारे में बहुत अच्छा बताया। देसी गाय अगर रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाए, जैसे दवाई भी बनती है उससे, उसके पेशाब से और गोबर से भी दवाई बनती है, उससे बहुत सारी दवाई बनती है। बहुत सारे टेक्निकल बताए उन्होंने, अगर वो यूज़ करेंगे हम, बाजार से हमें दवाई लाने की या खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उस ट्रेनिंग से बहुत अच्छा लगा। तो बहुत गंजीवा अमृत को बनाने में 2 किलो गोबर लेना पड़ता है और उसमें 1 किलो गुड़ लाना पड़ता है, 1 किलो बेसन लानी पड़ती है, 2 किलो बरगद के झाड़ के नीचे मिट्टी लानी पड़ती है और उसको गोबर को फैला देना पहले, तो 10 लीटर गौमूत्र लाना है और इनको, एक तो हो गया 100 किलो गोबर, दूसरा हो गया 1 किलो गुड़, तीसरा हो गया 1 किलो बेसन, चौथा हो गया 2 किलो बरगद के झाड़ के नीचे मिट्टी और पांचवा हो गया 10 किलो गौमूत्र। उसको लाकर में इकट्ठा करके गोबर को फैलाना है, फैला के ऊपर मिट्टी बिछानी, बारीक करके मिट्टी बिछा कर ऊपर बेसन बिछानी है। बेसन बिछाने के बाद वो 1 किलो गोश उस 10 लीटर गौमूत्र में घोलना है, उसको बारीक घोल कर गौमूत्र में मिलाकर छिड़क कर उसको मिला मिला कर गोला गोला लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के बाद में सांव में रखना, 6-7 दिन 8 दिन में वो पक जाता है। 7-8 दिन में पकने के बाद उसको फोड़ कर बारीक करना, बारीक बारीक करके अपने जमीन में फेंकेंगे। जमीन में फेंकने से फसल को इतने तत्व का, मतलब उस फसल को इतने तत्व का जो मिलेगा ऑक्सीजन, तो वो उसमें मतलब अच्छा फसल की उत्पादन होगा। तो वो एक ही बार नहीं करना है, वो अपने 1 महीने में 2 बार तो करना ही करना है, एक फसल में 3 बार तो फेंकना ही फेंकना है। तो ऐसे करते हुए 3 साल तक अपन इसमें मेहनत करेंगे तो अपने जमीन ऑटोमेटिक अपने सामने आ जाएगी।